हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग फिट फाट होंगे। चलिए आज अपन देखते हैं इस एक्वेरियम के अंदर एक वाटरफॉल को लुक कैसे दिया जाएगा। तो उसके लिए जो मुझे ज़रूरत पड़ेगा एक एक्वेरियम का, मैंने जो साइज़ डिसाइड किया है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 इंचेस लंबा है, विड्थ इसका 12 इंचेस है और हाइट इसका 18 इंचेस है। मैंने इसमें एक एयर पम्प ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है। इसके अलावा जो हमें ज़रूरत पड़ने वाला है उसमें हम लोग सैंड को लेंगे। सैंड में मैंने दो कलर लिए हैं, एक वाइटिश कलर है, एक ग्रीन कलर है। कुछ पेबल्स का ज़रूरत है अपने को, कुछ प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अपने कंडीशनर्स हैं एक्वेरियम के अलावा, लाइटिंग है और एक आपको सबमर्जिबल पंप का ज़रूरत पड़ेगा। नॉर्मली ज़्यादा हाई प्रेशर का नहीं, रेगुलर पंप जो अपना होता है वो चलेगा इसके अंदर। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स का ज़रूरत है, कुछ असेंबली है मेरे पास पाइप का और एक जनरली कवर का ज़रूरत है। ये सब करके हम लोग मैनेज हो जाएंगे इस पूरे सेटअप के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगा कुछ पाइप सेटअप का। उसमें जो नीड है अपने को, ऐसे दो बैंड चाहिए अपने को, एक थ्री वे वाला जॉइंट बैंड चाहिए और छोटे पाइप पीसेस चाहिए। अराउंड 6 इंचेस का एक पीस होगा, ये अराउंड 1 फिट का एक पीस है और 1 फिट का एक और पीस है अपने पास। तो अब जो कनेक्शन है वो इस तरह से जाएगा, 1 फिट की असेंबली लगाई, थ्री वाला जॉइंट हमने सेटल किया। इस थ्री वे जॉइंट को हमने सेमी जॉइंट बना दिया है, यानी ये क्या करेगा, यहाँ से प्रेशर जो पानी का जाएगा उसको डिवाइड करेगा। ये ऊज आउट नहीं होगा यहाँ से पानी, ये सीधा निकल के जाएगा, इसका तरीका ये रहेगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर अब आगे जॉइंट करना है, ये वाला पाइप इस जॉइंट में गया और ये जो बड़ा पाइप है हम इसके ऊपर जॉइंट करेंगे यहाँ पर, आप देख रहे हैं ऐसे, और ये जो बैंड है यहाँ लग जाएगा अगेन अच्छी तरह सेट कर लीजिएगा ऐसे, और ये जो बैंड है ये यहाँ लगेगा। इसकी लेंथ हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कितना हमें रिक्वायर्ड है। और ये जो आप हमने कीप लिया हुआ है इसके अंदर, ये हमारा कलेक्टिंग बेस है, इसके अंदर जो भी सैंड आएगा वो इसमें कलेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बेस तैयार। इसके अलावा हम अपना सबमर्जिबल पंप लेंगे, वो यहाँ कनेक्ट होगा। जो 1 फिट वाला हमारा पाइप था इसके अंदर हमने यहाँ इसको इस्टेब्लिश कर दिया। अब आप इसका असेंबली एक बार गौर से देखिए, ये पंप हो गया अपना, ये पाइप हो गया, ये अपना थ्री वे वाला जॉइंट हो गया, इसके आगे 6 इंचेस का वापस से एक पाइप का है बेस, उसके बाद में एक बैंड आया है, फिर वापस 1 फीट का अपना पाइप है, उसके बाद एक बैंड आया और फिर छोटा एडजस्टेबल पाइप का कट है, अपन जितना चाहेंगे उतना यूज़ कर लेंगे इसमें से। ये भी असेंबली और इसके ऊपर हमने कीप एडजस्ट कर दिया है, ये हमारा सेटअप कम्प्लीट है। इधर दोस्तों अब हम इसको यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, देखिए इसका पोजीशन कर लीजिए आप। पोजीशन करने के लिए सिंपली ये यहाँ बेस में दिया है मैंने, ये असेंबली फिक्स आ गया। इसको एडजस्ट करने के लिए इस तरह की ग्रिप्स आप काम में ले सकते हैं, ये जनरली आपको किसी भी एक्वेरियम शॉप पे मिल जाएगा। ये ग्रिप आप यहाँ लगाइए और एक सेकंड ग्रिप आप यहाँ पेस्ट करिए, इससे अपना एक्वेरियम बार बार एक्वेरियम में जो अपना सेटअप अपन लगाया ये मूव नहीं करेगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। आप चाहे तो एडिशनल एक और क्लिप काम में ले सकते हैं, इससे काफ़ी स्टेबल हो गया। ये हमारा बेस स्ट्रक्चर तैयार है, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए हम इसमें लेते हैं सैंड, मैं ग्रीन सैंड ले रहा हूँ, आप कोई भी अच्छा सैंड ले सकते हैं। मैंने ग्रीन सैंड इसलिए लिया है क्योंकि इसका कारण है डार्क कलर है ये, तो डार्क कलर होने की वजह से ये कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा बनेगा इसका। आप इसको इस तरह से लीजिए कि पूरा स्टोन जितना भी पाइप का अपना सेटअप है ये पूरा इससे दब जाए। मैं इसको यहाँ तक प्लेस कर रहा हूँ, ये मैंने इधर काउंट कर दिया है। इसके बाद मैं लूँगा एक पेबल्स, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ इस फिल्टर के पंप सेट के चारों तरफ। इसका कारण ये है कि अब जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये फिल्टर चोक नहीं होगा, नहीं तो ये सैंड की वजह से चोक आउट हो जाता, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सेटल आए हम लोग उसके चारों तरफ पहले सैंड
स्टोन लगाएंगे वाले, फिर सैंड डालेंगे। कुछ और पेबल्स की ज़रूरत भी पड़ने वाली है। अब लगभग ये कवर हो गया है, ज़रूरत पड़े तो आप और पेबल्स ले सकते हैं और फिर देन अगेन अपन सैंड लेंगे। बाकी बचे हिस्से में हम सैंड वापस ऐड कर देंगे। अभी भी थोड़ा गैप बाकी है जो मुझे और सैंड लेना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि पूरा अच्छी तरह से छुप जाए। मैं दोबारा से लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्लांट्स इसको छुपाएंगे। ये जो हमारा पाइप है ये दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको प्लांट से मास्क कर देना है। ठीक, कुछ फ्रॉम्स जो मैंने लिए थे उनको भी आप काम में लेंगे। मैंने इसमें यहाँ छुपाने के लिए लिया इसको, इससे काफ़ी तक ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सैंड की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको हाईलाइट करने के लिए। मैं वाइट सैंड ले रहा हूँ। एक प्लांट लिया है मैंने लंबा, उसको इस तरह से अपील करेंगे कि वो नीचे यहाँ लगा देंगे हम, ताकि इससे हमारा जो बचा कुचा इसका प्लांट का स्ट्रक्चर है वो भी पाइप का जो स्ट्रक्चर है वो छुप जाएगा। चाहे तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, गम कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको बांध सकते हैं। फ्रेंड्स, वो मैंने लगा दिया है प्लांट। अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर रहा हूँ उसको, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं इस चीज़ को। मेरे पास ये पॉम्प्स हैं, बहुत अच्छे लुक देंगे इसके अंदर, इसलिए मैंने इनको सोचा यहाँ लगाएं। अब हम इसमें पानी भरेंगे। उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं हमने पाइप लगा दिया और एक छोटा सा पॉली जिसको आप स्टोन, इससे आपका डेकोरेशन बिगड़ेगा नहीं। धीरे धीरे, बहुत धीरे प्रेशर से पानी भरना होगा हमको, नहीं तो जो डेकोरेशन किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है इधर मित्रों। ये टैंक काफ़ी बड़ा है इसलिए थोड़ा समय लगेगा मित्रों। फ्रेंड्स, अब इसमें पानी पूरा हमने भर दिया है।
ओके फ्रेंड्स, अब इसमें लाइट लगाएंगे। एक लाइट मैं प्लेस कर रहा हूँ बैक साइड और फाउंटेन ये वाटरफॉल के पीछे आ गई है लाइट। सेकेंड लाइट एज यूजुअल अपन सामने ही प्लेस करेंगे जस्ट वाटर लाइन के अबव। ये हो गया अपना सेटअप तैयार। और फ्रेंड्स, जो अपन ने अपना वाटरफॉल का जो स्कूप बनाया है, जो कलेक्टिंग बास्केट है, उस बास्केट के अंदर थोड़ा सैंड डालना है अपने। मैं सैंड ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर। ये कलेक्टिंग बास्केट में मैंने सैंड ऐड कर दिया है। आप भी अपनी बनाएं, जब भी आप इसमें इस तरह के सेट को, उसमें आप सैंड ऐड कर दें। अब सैंड ऐड करने के बाद आपने जो मशीन अपना समरजल पंप लगाया था, उस पंप का प्लग ये मैं लगाने जा रहा हूँ। ये आपका फाउंटेन हो गया तैयार, ये वाटरफॉल चालू हो गया है। फ्रेंड्स, ये आपका फाउंटेन वाटरफॉल तैयार हो गया है, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, एंजॉय करिए और अपनी हॉबी को डेवलप करिए। देखिए इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आता है इसका। ऐसा लगता है जैसे वास्तविक झरना आपने एक्वेरियम में लगा दिया हो। अब जब इसमें फिश छोड़ दी जाएंगी तो इसका जो लुक होगा वो कहते ही बनेगा। देखिए